हमारा दुख आप लोग देख ही रहे हैं, कितना प्रॉब्लम झेल रहे हैं, कितना कष्ट झेल रहे हैं हम तो लोग। आप देख सकते हैं इसमें ईंट बिछा दिया गया है पूरा तरह से। ज़्यादा बड़ा रिक्वेस्ट नहीं है, बस छोटा सा ही रिक्वेस्ट है। हम लोग अपना बिस्तर लगा रहे हैं हम और अनुज। तो दोस्तों रात का टाइम हो रहा है अभी। सी देख रही है, देखो क्या सोच रही है वो, देखो कैसे सोच रही है। गुड मॉर्निंग लैलन। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे पापा एंड हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का। पापा क्या बेटा, एक क्या और न्यू करूँ। व्लॉग में चाकू चाहिए टॉफी काटने के लिए। तो दोस्तों आज अभी सुबह का 9 बज रहा है और अभी हम पापा काम स्टार्ट कर रहे हैं। पापा चाकू। रुको बेटा, अभी ये चाकू से नहीं कटेगा, ये दांत से कटेगा, लो। तो आप लोग हमारे व्लॉग के साथ बने रहिए। आज हम इस घर को करने वाले हैं प्लास्टर। आइए दिखाते हैं क्या अभी माहौल है। देख सकते हैं इतना ईंट टुकड़ा जो था हमारा लग गया है और बाकी इतना बच रहा है, तो इस पे हम लगाएंगे, बड़ा वाला ही लगा देते हैं। अब उतने के लिए क्या टुकड़ा खरीदने जाएंगे, है ना। बड़ा वाला ईंट है ये, देख सकते हैं। रुको बेटा रुको, सर्दी हो गया बेटा को। तो चलिए अभी चलते हैं, सीमेंट लाना है 2 बोरी। और इधर अभी काजल झाड़ू लगा दिए, बाकी ये बेड हम इसको लगा दिए काजल। तो दोस्तों अभी चलते हैं सीमेंट लेने, 2 बोरी सीमेंट लाना है। लो बेटा लो टॉफी लो, लो फट गया निकाल लो। हाँ बोलो थैंक यू। तो चलिए अभी सीमेंट लेके आते हैं फटाफट से। अभी लग रहा है सीमेंट तो ले दिए, अभी लग रहा है ईंटा खत्म होने वाला है। पता ना क्या किया जाए, बड़ा वाला भी ईंटा लगा दिए। इसमें ईंटा बिछवा दे रहे हैं पूरा, इधर से पानी मारेंगे इधर निकल जाएगा। कम पड़ गया तो यहाँ से भी निकलवा दे रहे हैं, ये वाला जहाँ से हम गाड़ी घुसाने के लिए बनाए थे वही वाला। तो आप देख सकते हैं इसमें ईंट बिछा दिया गया है पूरा तरह से। अब नहीं आएगा हमारे घर में सांप, क्योंकि अब ये हो जाएगा, इस पर आलू गिरेगा, मसाला बना के इसको होगा प्लास्टर। बहुत ज़्यादा ईंट लगा है इसमें, फिर भी अभी इधर पानी का आवाज़ आ रहा है इसमें। और दोस्तों आप लोग कुछ चीज़ नोटिस किए होंगे तो आप लोग बताना कमेंट में। तो अभी लेबल मिला है, उसके बाद से होगा ताकि पानी से बाहर निकल जाए ना। सारा यहीं पर रखा हुआ धूप में ही, पता नहीं और कितने दिन रहना पड़ेगा बाहर, घर से सोना पड़ेगा। तो अभी रात हो गया है, एक्चुअली अभी 5:30 हो रहा है वैसे, बट अंधेरा हो गया है चारों तरफ से। और मैं अभी पहना हूँ जैकेट क्योंकि मुझे लग रहा है ठंड। और यहाँ देख सकते हैं बिस्तर लगा रहे हैं, यहाँ पे मच्छरदानी खरीद के लाए थे ना, वही लगा रहे हैं यहाँ पे आज। आज सब मानसी अभी सो गई है, अभी काम हो ही रहा है, देख सकते हैं इतना मसाला भी बचा हुआ है, अभी अंदर में घोला दिया जा रहा है। तो आइए अभी आपको फाइनल लुक दिखाएंगे, उससे पहले तो लाए हैं कुछ खाने के लिए, तो अभी चलिए खा लेते हैं सब लोग मिलके, जितने जितने लोग काम कर रहे हैं सभी लोग को खाना है। और सभी बाबू हैं जो लोग हेल्प करा रहे हैं, प्रिंस भी काफ़ी देर से आया है। तो अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम दिन में ज़्यादातर शूट नहीं कर पाए। सारा काम फिनिश हो चुका है, आइए दिखाते हैं थोड़ा अंदर का नज़ारा। अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन तक तो अंदर अच्छे से कूद नहीं पाएंगे, एक्चुअली धीरे धीरे जाएंगे, आइए दिखाते हैं। दोस्तों अभी देख सकते हैं इधर का सारा प्लास्टर हो चुका है एकदम फिनिश, क्योंकि प्लास्टर हो गया ऊंचा। देख सकते हैं नलका वाला जो साइड है उधर से करीब आधा फुट नहीं बोल सकते, 4 इंच ऊपर आ गया है, 4-5 इंच हाइट हो गया है, तो अब काफ़ी बेटर है। और यहाँ हमारा बेड है, इधर खाना वाना नहीं बना है क्योंकि सुबह का ही खाना काफ़ी बचा हुआ है, इसलिए नहीं बना है। मानसी अभी सो रही है, वो रात में परेशान करेगी लग रहा है आज। बाकी लाए हैं पकौड़ी, इसमें खाएंगे अभी। देख सकते हैं पूरा घर एकदम से पूरा कबाड़ लग रहा है, सहारेंगे 1-2 दिन में, है ना। तो दोस्तों रात का टाइम हो रहा है अभी और 7:30 से बस इसलिए हो रहा है, और इधर सारा प्लास्टर हो गया है रूम। और मानसी के पापा भी गए हैं गोलू अनुज बाबू को बुलाने सोने के लिए, और मानसी के पास उसकी दीदी सोएगी और हम भी सोएंगे ना, दोनों लोग दोनों बगल से सोएंगे, तो इस तरह ज़्यादा सेफ रहेगा, इसलिए गए हैं दोनों लोग को बुलाने। देखो मानसी सो गई है, और ऊपर में लगा देंगे कोसा नहीं गिरेगा, घर में गिर गया पूरा पल्ला हो गया है। तो चलिए फटाफट हम भी सो जाते हैं, खाना वाना नहीं मन कर रहा है खाने को दोस्तों, इतना हरे थके हैं कि। ये देखिए दोस्तों इतना बड़ा कीड़ा आके एकदम फटफट फटफट करने लगा,
इतना डर लग रहा है ना, पता ना कौन सा कीड़ा है ये, कहाँ से एकदम हेलीकॉप्टर जैसा आवाज आने लगा। देखो मच्छरदानी नहीं होता तो आ जाता अंदर, इसको भी भगाते हैं। तो अभी हम लोग सोने जा रहे हैं, काजल अंदर सो गई है, मानसी भी सो रही है और हम और अनुज सोएंगे इस वाले छोटा वाला खटिया पे। अनुज बार बार मेरे से कह रहा है कि नहीं आटेंगे गिर जाएंगे, तो फिर भी सोएंगे, कैसे भी रात बितानी है। और पेड़ के लग हम लोग वहीं सोते हैं पेड़ के पास, लेकिन कहा जाता है पेड़ के पास सोना गलत है। हम लोग अपना बिस्तर लगा रहे हैं हम और अनुज, ये देख सकते हैं इसका ये चारपाई देखिए कितना टेढ़ा मेढ़ा है, छोटा सा पुराना मच्छरदानिया लगा ले लो, नहीं के सुना तो तबीयत खराब हुई तो बूझे तो ये इस पे गद्दा बिछा दिया, इतना बड़ा हो गया, कहीं गद्दा के सोच के हम लोग खटिया सोच लें और इधर इधर आ जाए तो ढिमलाएंगे इसी पे। इधर दरवाजा ये बंद नहीं किए, दरवाजा बंद करना, उसमें भी नहीं जा पाएंगे। और चलिए अभी अलमीरा हमारा इधर है, ये दिखाते हैं आपको दोस्तों, अलमीरा बाहर में है, हमें डर लग रहा है कोई ऐसे खोल के कोई दिक्कत ना हो, है ना। पहले गाड़ी घुसाते हैं फिर देखते हैं, बाइक भी इधर है हमारा। अनुज बाइकवा है जा घुसा दो क्या, इतना पड़ा है अलमीरा वाली आके दो रिया भेजा रख दो क्या, आखिर सोझा रही ना कम से कम, तो कोई डर से नहीं छुएगा, इधर ही मुंह करके सोएंगे हाँ। और आँख खोल के आज सोना है लोगों को ना लगे, कोई देखे भी तो लगे कि हाँ जगा हुआ है मोबाइल है ना डाल हम लोग आगे, हाँ ताकि मोबाइल वो सबसे पहले लेके भागो तो चलिए अभी पहले बाइक अंदर करते हैं फिर। अभी हम लोग बाइक इधर लगा दिए हैं आंगन में, चलिए पहले अलमीरा को भी उठा के यहाँ रख देते हैं पेड़ के पास। क्या करता रे बाबू रुको रुको रुको, ऐसे गिर जाएगा रुको, ये लो अनुज इधर लगा दो, रुको रुको चल लगा लो, बस अब नहीं गिरेगा ना गिरे, हाई उठाओ अनुज एगो ऐसे हाई उठा के ढक दे कारपेट, तो अभी इसको ढक दे रहे हैं, हाँ उसी से ढक दो, ऊपर से रख दो खाली, हे बगल से आके हमारा तरफ से होने से तक वही ना, हाँ बस ऐसे में रख दो इसको, ऐसे करो बस हो गया, चलो आ जाओ गड़िया कहीं पार्दो से हम कह दो क्या, गड़िया का ठंडा लगी काजल बोल रहे गड़िया ठंडा ना लगेगा, तो अभी ढक दिए हैं इसको, इधर से भी ढक दो, हाँ बस बाकी तो पर्दा से भी ढक जाएगा इधर से, और उधर से बैठे बैठे फरमाइश हो रहा है विश्वकर्मा भगवान के गोल लाग रहे पैर के पास, तो कोई दिक्कत नहीं, अब जितना जगह है उतना ही तो रखेंगे, इधर भी बिस्तर हो गया इधर भी बिस्तर है, तो ये बहुत लकी है ना हमारे लिए। मानसी उठ गई बेटा, कहाँ हो दिखाई नहीं दे रहा, पता ना क्यों कपड़ा चेंज कर रहा है इस टाइम हमें एक फ्लाश जला के तब वीडियो बना रहे, ऐसे में थोड़ा ठीक आ रहा है ना, तो चलिए और दोस्तों क्या बताएं, आप लोग सब देख ही रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों से बस हमारा ज़्यादा बड़ा रिक्वेस्ट नहीं है, बस छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए एंड शेयर किया कीजिए, ताकि हमारा थोड़ा भी सही बट हेल्प हो जाए, है ना, व्यू चला जाता है कुछ कुछ बट लाइक नहीं आ पाता, तो आप लोग लाइक करते हैं ना तो हमें मोटिवेट मिलता है कि हाँ हमने मेहनत, हमारा मेहनत जैसे होता है ना कि कोई मेहनत करे और उसको तारीफ कर दें कि हाँ बहुत अच्छा, तो ये चीज़ का फील आता है कि अगर हम वीडियो बना रहे हैं इतना मेहनत करके, तो आप लोग लाइक करेंगे तो हमें यही वाला फील आता है हाँ चलो इतने लोग लाइक किए हैं, नहीं इतने लोगों को पसंद आया तो हमारा मेहनत रंग लाया, तो बस यही बात है, और कोई लाइक से कुछ मिलता नहीं हमें, बस थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिए कीजिए अपनी फैमिली मान के, हमें हमारा दुख आप लोग देख ही रहे हैं कितना प्रॉब्लम झेल रहे हैं, कितना कष्ट झेल रहे हैं हम लोग, अभी मानसी बेटा भी उठ गई, साथ साथ मानसी भी बहुत ज़्यादा दुख झेल रही है हमारे साथ, जो मानसी दिन में थोड़ा आराम करती थी पहले, लेकिन अभी एक मिनट का आराम नहीं मिल रहा है, ना ही मानसी को ना ही काजल को ना ही इनको, हाँ तो
दिन भर भटकना पड़ रहा है क्योंकि सारा सामान बाहर है, तो कौन रात में सबसे तो ज्यादा हम लोग परेशान हुए थे ना जी, खाना खा के तुरंत सारा सामान बाहर निकाले। एक होता ना दिन में खाना खा के थोड़ा सा लेट जाओ आज तो अभी थोड़ा तक। सा आराम किए थे यहाँ पर है ना, छाव आया मैं था पूरा थोड़ा। दिन भटकते भटकते शाम के टाइम में पता ना ऐसे बैठ के, ऐसे थोड़ा सा बैठ के सोया तब तक, मतलब नींद थोड़ा आ सा लेटा गई तब तक नींद आ गया पता ना कैसे। बेटा क्या? अभी मानसी उठ गई है, मेरे साथ ही मानसी सो गई थी बाद में। मैं तो 1 घंटा लगभग सो लिया था, 1-1.5 घंटा दिन में यहीं पे धूप में, धूप नहीं था छाया आ गया था। तो हम तो आप लोग देखते ही हैं, हम लोग शुरू से जब नोएडा में थे तब से अभी तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम से दुख जूझते दुख आ रहे हैं। यही और है, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं हमें कि आप लोग खाली प्रॉब्लम ही शेयर करते हैं, तो तो जो जब होता है वही शेयर करते हैं। हाँ खुशी और आती है तो जब खुशी भी शेयर करते हैं दोस्तों। जब खुशियाँ आती है हमारे लाइफ में तो वो भी हम बड़े अच्छे से शेयर करते हैं। और दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि मुस्कान दोनों में ही रहता है हमारा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग भी हमें समझेंगे और अच्छे से, मतलब कि क्या कहते हैं एक मतलब कि हमारी फीलिंग को समझेंगे आप लोग। इसी देख रहे, देखो क्या सोच रही है वो, देखो कैसे सोच रही है। बेटा मानसी, अरे पापा के पास सोगी? पापा के पास सोगी? नहीं तो मुझे अब सोने दो, तुम तो सो के उठ गए, तुम्हारा गुड मॉर्निंग हो गया है। सो जाओ बेटा सो जाओ, हम लोग भी चलिए सोते हैं। बाकी आप लोगों से हम मिलते हैं एक सुबह में एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और ये नेक्स्ट डे है और अभी सुबह सुबह का 6 बज गया है, उठ रहे हैं 5 बजे का, थोड़ा सा टाइम लग गया। और इधर मैं अब हम चल रहे हैं बर्तन वर्तन धोने, देख सकते हैं कैसे पड़ा। मानसी इधर सोई है, रात में ही उठ गई थी 10-11 बजे, बहुत परेशान की थी। मानसी पापा भी यहाँ सोए हैं और देखो कपड़ा सारा भींग गया है, ऊपर का गीला गीला सा हो गया। और घर में हम उधर आराम आराम से एकदम आ जा सकते हैं, प्लास्टर है तो देखो मानसी। गुड मॉर्निंग लैलन, हमारे एक रेजा उठल पड़ी और उस टाइम चावल मांग रहे थे, तो मानसी पापा पतंजलि के बिस्कुट रखे थे एक और एक पाँच का वो था, तो वो दे पैर है जी, मैं गाल पर मच्छर काट ले। तो दोस्तों मानसिक पापा अभी जगे नहीं है, जगेंगे तब तो झाड़ू उड़ू हम लगाएंगे। बाकी बर्तन वर्तन धो के चाय बैठा दिए हैं, वो इलायची वाला काली मिर्च वाली, इलायची वाली बोल काली मिर्च ज़्यादा डाल के, क्योंकि सब लोग का हालत खराब है। मानसी खेल रही है मच्छरदानी, दादी वाल नहीं खोल रहा था, तो इसको कैंची से काटेंगे। ले ले चाय पिया की ले ले, ठीक है क्या पैर पैर तुम क्यों दिखाती हो? हाँ, उठे ना जी पीली चाय, ऊपर सूती भीज गल में सब। पुराने वाला मच्छरदानी बोले थे दोस्तों लगाने को, नहीं लगाए। उठी तो दोस्तों अभी ना घर प्लस्तर हो गए तो आराम आराम से आ जा रहे हैं। और अभी कोई मांगने वाला है तो हमारे पास थोड़ा सा चावल है, उसी में से दे देते हैं एक गिलास। मच्छर इधर से आराम आराम से जा रहे हैं, पता नहीं इनका कौन नींद होता है, उठते ही नहीं है। गुड मॉर्निंग, मेरे को हो गया है खांसी। अब अभी सुबह का 8 बज रहा है और अभी खाना पीना बन रहा है हमारा, और हो सकता है आज सामान शिफ्ट कर दें, आज आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी तक आप सबने वीडियो देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। बोलो बेटा बाय बाय।